कैंप लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है और किस चीज़ के लिए लगा है? अस्सलाम वालेकुम। ये कैंप लगे हुआ है न्यू इलेक्शन कार्ड का। आज 21 जुलाई 2024 बरोज इतवार सवेरे 10 बजे से चालू है, शाम में 5 बजे तक किराड़पुरा अक्सा मस्जिद पानी बम्बे के पास में। ये आपके माध्यम से हम पूरे लोगों को बताना चाहते कि पिछले जो इलेक्शन हुआ खासदार का, उसमें बहुत सारे लोगों के इलेक्शन कार्ड जो वहाँ गए और यादी में नाम नहीं है, तो उसके यादी में नाम नहीं है तो क्यों नहीं है? तो वो एमटी सीरियल के पुर सीरियल के नाम है, वो भी हम यहाँ पे नए कार्ड बना के दे रहे हैं। और जो बच्चा 18 साल का हो गया, 18 साल के ऊपर, तो उनके भी हम नए इलेक्शन कार्ड बना के दे रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से 2012-15 से खिदमत आम यानी खिदमत खल करते आ रही है। किराड़पुरे के आवाम के लिए हम हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम साथ में है, जो कि हमारे वालदा यहाँ की नगर सेविका है और सभापति भी है MIM के। ये कैंप कब तक है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह है पता? ये कैंप जो है तो आज शाम तक 5 बजे तक है इतवार के दिन, और उसके बाद में भी अगर टाइम ख़त्म होगा तो हमारा ऑफिस जो है किराड़पुरे में है MIM का, तो वहाँ पे यूनो आधार कार्ड, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड, दूसरे एक इलेक्शन कार्ड, फोटो, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है वो ला के दिए तो इनशाला हम हमारे ऑफिस पे से भी कंटिन्यू चालू है। सर, सुनने में आ रहा है कि 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को एक मेगा मेडिकल कैंप आपके द्वारा किया जाने वाला है, उसकी क्या डेट है? बिल्कुल बिल्कुल, 10 अगस्त 2024 बरोज शनिचर सवेरे 10 बजे से 3 बजे तक फैस कॉम्प्लेक्स के बाजू, जो कमल फारूकी साहब का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है, जो हम हर साल रखते, इस साल भी है, और उसमें बड़ी तादाद में लोग आते और यहाँ पे हर बीमारी के डॉक्टर रहने वाले हैं। उसमें मेडिकल पूरा फ्री मिलने वाला है, आँखों का भी डॉक्टर आने वाले हैं, और आँखों के भी ऑपरेशन अगर किसी का अगर मोतियाबिंद का रिस्क करना है तो वो भी MGM के थ्रू वो फ्री में किया जाएगा। उसी के साथ साथ अभी हमने पीछे जो लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन का जो स्कीम आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल किराड़पुरे के अंदर गई है। 4,000 से अधिक उसमें फॉर्म भरे गए और 3,500 से ऊपर उसमें जो है तो ऑनलाइन फॉर्म भर चुके। अब उम्मीद यह है कि अल्लाह की ज़ात से कि भाई गवर्नमेंट ने जो वादा करी कि हर बहन को 1,500 रुपये देंगे, तो वो गवर्नमेंट उनके वादे पे खरा उतरे, और 14 अगस्त को जो उन्होंने बताया था कि हर बहन के यानी खाते में 1,500 आएंगे, तब उसका इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं।